अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि फार्मूला क्रीम्स के साथ डैमेज हुई हुई स्किन को हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं, तो आप ही प्लीज़ वो उस पर उसके लिए कुछ रेमेडी बता दें, कोई वीडियो बना दें उसको। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ, सो उसके लिए आप लोगों को कुछ चाहिए, क्या क्या चीज़ें ये देख सकते हैं आप लोग। एक अंडा लिया मैंने, एक आपको बनाना चाहिए, आपको रॉ मिल्क चाहिए, बकरे का दूध ले लें, बकरी का सॉरी, और कॉर्नस्टार्च चाहिए। अगर आपके पास बकरी का दूध अवेलेबल नहीं है तो फिर आप गाय का भी ले सकते हैं ऑप्शन। एलोवेरा जेल चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है। अब इस सबको बनाना कैसे है, चलें मैं आप लोगों को आज बताती हूँ। ये वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपकी स्किन को नेचुरली हील करती हैं, बहुत तेज़ी से रिपेयर करती हैं। अगर आप लोग फार्मूला क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर चुके हैं, अव्वल तो लगानी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मजबूरी में आप लोग लगा चुके हैं, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी कि अपनी स्किन को अब आप हील कैसे कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप लोगों ने इसको पूरे 3 माह तक रेगुलरली अपनी स्किन पर अप्लाई करना है इस मास्क को। ये देखें केला, अच्छा केला एक जैसा आप खाने के लिए पसंद करते हैं वैसा आपने स्किन के लिए पसंद करना है, कि गला हुआ सड़ा हुआ केला आपने नहीं लेना, एक अच्छा साफ सुथरा सा केला लेना है, उसको आपने इस तरह से मैश कर लेना है। अच्छे तरीके से मैश करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी इसके अंदर आपने ऐड करना है अंडा। अंडा भी जो है हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, अंडा रिपेयर करता है हमारी स्किन को बहुत जल्दी। अच्छा, अंडे की सफ़ेदी जो है, अगर आपका हाथ जल गया है, कोई चीज़ जल गई, उसके ऊपर फ़ौरन से आप अंडे की सफ़ेदी लगा देंगे तो वो बहुत जल्दी हील करती है। सो ये वीडियो इसमें और बहुत से मैं आप लोगों को रेमेडीज़ बताती जाऊँगी, आपको एक रेमेडी से दूसरी रेमेडी भी मिल जाती है। सो इसके अंदर जो मेरा नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट है वो जा रहा है जी, ये देखिए आप बिल्कुल देख सकते हैं मैश हो गया है अच्छी तरह से। इसको इतना मैश कर लेना कि आपकी स्किन के ऊपर ये बिल्कुल पेस्ट सी बन जाए, और उसको हम लोग जब इसको फेस के ऊपर अप्लाई करें तो ये कोई गुठलियाँ सी अंदर ना रह जाए। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी जी 2 टेबलस्पून दूध, और दूध शामिल करने के बाद ये देखिए मैं इसको आपके सामने ही डाल रही हूँ, ये 1 चम्मच, और अंदाजन मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून दूध ऐड कर लिया है। आप लोग भी चाहें तो स्पून रख सकते हैं, स्पून के साथ उसको ऐड करें और इसको मिक्स करते जाएं। इतना मिक्स करें कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स और गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं ये बिल्कुल मिक्स हो जाए और स्मूथ सी पेस्ट आप लोगों के पास आ जाए। तीसरा इंग्रेडिएंट जो मेरे पास है वो है अंडा। मैं आप लोगों को अंडे की प्रॉपर्टीज़ बता रही थी, तो अंडे की और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी। अंडे के अंदर से निकलने वाला छिलका जो है वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो भी आपकी स्किन को रिपेयर करता है बहुत ज़्यादा। ये देख सकते हैं मैं अंडा तोड़ के अलग कर लूँगी, इसकी जर्दी अलग कर लूँगी, सफ़ेदी अलग कर लूँगी। मैं मुझे भी चाहिए जी सफ़ेदी, जर्दी मैंने अलग कर ली है, सफ़ेदी इसकी मैं इसके अंदर डालूँगी, और सफ़ेदी भी जितनी इसके अंदर चाहिए होगी क्वांटिटी हिसाब से आप लोग देख लें, ताकि पतला ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। पेस्ट आपका जितना आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने आधी जर्दी इस्तेमाल की है ताकि ये पेस्ट जो है वो ज़्यादा पतली ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी दूध भी डाला हुआ है। सो अब इसको इतना मैं ब्लेंड करूँगी फोक के साथ कि ये बिल्कुल एक स्मूथ सी पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। इसके अंदर जितने पार्टिकल्स बड़े बड़े रह गए हैं वो भी बिल्कुल स्मूथ होकर पेस्ट की शक्ल में आ जाएंगे, और ताकि हमारी स्किन पे, फेस पे, हाथों पे अच्छी तरह से अप्लाई हो सके। अच्छा, फार्मूला क्रीम से ख़राब हुई स्किन की निशानी ये भी होती है कि आपके जो रेड कैपिलरीज हैं वो प्रोमिनेंट नहीं नज़र आनी शुरू होती हैं आपके फेस के ऊपर, क्योंकि स्किन इतनी पतली हो चुकी होती है, आप लोग क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन को डैमेज कर चुके होते हैं, कि वो अंदर से बारीक नालियाँ, बारीक कैपिलरीज तक नज़र आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी रगें नज़र आ रही होती हैं। खैर, तीसरा इंग्रेडिएंट मैंने इसके अंदर जो डाला है चौथा, वो है जी कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच। अभी देख लीजिए, अगर आप लोगों की पेस्ट जो है वो ज़्यादा पतली बन गई है तो आप इसमें 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैंने अभी फ़िलहाल इसके अंदर 1 चम्मच डाला है। इसको मिक्स करते जाएँ अच्छे तरीके से, ताकि कॉर्नफ्लोर के जो हैं वो भी स्मूथली इसके अंदर मिक्स होकर पेस्ट बन जाए एक अच्छी सी। आप इसको फेस पे अप्लाई करें, हाथों पे अप्लाई करें, लेकिन बार बार मैं ये कहूँगी कि रेमेडीज़ का फ़र्क आपको सिर्फ तभी मिलता है अगर आप लोग इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते रहें। आप एक हफ़्ता भी अगर इस्तेमाल करेंगे मुसलसल लगातार डेली बेसिस पे, तो आप लोगों को फ़र्क खुद महसूस होगा। अब जली हुई स्किन धूप में जाएँ तो वो सुर्ख हो जाती है, क्रीम्स के बाद जो छाइयाँ पड़ जाती हैं आपकी स्किन पर, इस चीज़ को रिपेयर करने में भी, अब ज़ाहिर है जितना आपने टाइम लगाया इसको बर्बाद करने में, अब उतना टाइम इसको ठीक करने में भी तो चाहिए ना। सबसे पहले तो अपनी क्रीम जो है उसको छोड़ने में आप पहल करें, और इतनी जल्दी और एकदम ना छोड़ दें,
आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ें। मतलब पहले अगर आप डेली बेसिस पे लगाते थे तो उसको फिर डेली बेसिस पे ना लगाएं, वीक में एक दो दफ़ा लगाएं, फिर उसके बाद महीने में कर दें, फिर उससे जान छुड़वाएं आहिस्ता आहिस्ता। फिर ये फेस पे डेली अप्लाई करना शुरू कर दें आप मास्क, और ये 3 माह तक मैं आपको गारंटी देती हूँ आपकी स्किन जितनी भी डैमेज हो आपकी स्किन को रिपेयर करेगी, हील करेगी, झुर्रियाँ जितनी आपकी फेस के ऊपर होंगी वो भी रिकवर होंगी, साथ साथ आपकी स्किन बिल्कुल कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगी इससे। क्योंकि बनाना हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हमारी स्किन को फ्राहम करता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और हम लोग जो मुख्तलिफ क्रीम्स लगा लगा के अपनी स्किन का बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं ये उससे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और हील करती है। अब ये देखें मेरे पास स्मूथ सी पेस्ट बन गई है, मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग पेस्ट बन गई है मेरे पास ये स्मूथ सी, मैं इसको अपने हाथ पे आप लोगों को अप्लाई करके दिखा दूँगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि कितनी पेस्ट हम लोगों ने रखनी है थिक, ताकि वो इजीली हमारे फेस के ऊपर हमारे हाथों के ऊपर लग सके। अच्छा, लगाने के बाद आप लोग जैसे जैसे ये ड्राई होती जाएगी, क्योंकि ये ड्राई होगा तो फिर ये एक मास्क की शक्ल में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने अंडे की सफ़ेदी भी डाली हुई है। सो ये इसके ऊपर दोबारा से आप एक और कोटिंग भी कर सकती हैं ताकि वो थिक लेयर जो है वो आपकी स्किन के ऊपर बनती जाए। आप देखिएगा वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा, आपका हाथ जो है वो वाइटनिंग की तरफ भी आएगा, वाइटनिंग इफेक्ट भी मिलेगा आप लोगों को, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो सी जाएगी आप लोगों की। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों की हेल्प करने की। सो जिनको वीडियो चाहिए थी वो प्लीज़ थंब्स अप करें और मुझे बताएं इनको वीडियो कैसी लगी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें।